The question is Laplace of e raised to minus 3t into sin t. Three terms है, okay? तीनों multiply में, तो तीनों separate होगा क्या? तो actually कैसा होता है? दोनों trigo रहेगा, तीनों trigo रहेगा तो separate होगा. एक exponential, एक trigo और एक t है, तो separate होने का chance ही नहीं है. तो तीन है, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं multiplication में क्या क्या है. एक multiplication में exponential term है, उसका rule है. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल तो वो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है फर्स्ट शिफ्टिंग कर सकते हैं. चलो एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. इनटू टी है, तो इनटू टी का भी एक सॉल्यूशन है. इनटू टी यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी रेज़्ड टू एन, तो उसका भी रूल है, वो भी साइड में हटा दो. तो बचा क्या? साइन टी. और साइन टी का तो फॉर्मूला है आपके पास, टोटल नाइन फॉर्मूलाज है, तो उसमें है साइन टी का फॉर्मूला. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, स्टेप बाय स्टेप देखो, ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इंपॉर्टेंट है. स्टेप वन, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये रूल्स है ना, ये रूल्स को बाद में देखेंगे, पहले साइन टी सॉल्व करेंगे. लैपलास ऑफ साइन टी, सो लैपलास ऑफ साइन टी, इसका आंसर होता है, साइन टी का फॉर्मूला होता है साइन ए टी का यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 5. क्या है फॉर्मूला नंबर 5? लैपलास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ए क्या है यहाँ पे? नंबर है वन, तो वन अपॉन यर वन अपॉन s स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. वन स्क्वायर का वैल्यू वन ही होता है ना, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ s. ठीक है, अभी उसके बाद ये हो गया, अभी इसके बाद इंटू टी एक्सपोनेंशियल टी है, तो दोनों में से आप कौन सा पहला करोगे? तो नॉर्मली अगर फर्स्ट शिफ्टिंग एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी होगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी पहले करो. इसका रीजन मतलब आपको, अगर आपने फर्स्ट शिफ्टिंग पहले किया तो रॉन्ग नहीं है. होता क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट शिफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन उसको एक्सपांड करते हैं, s के जगह पर रिप्लेस करते हैं s माइनस है और s प्लस है. जैसे कि यहां पे क्या है, माइनस 3 है, तो यहां पे s प्लस 3 होगा. क्या होगा? s प्लस 3 या आंसर में इक्वेशन बढ़ेगा. एंड देन हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी में डेरिवेटिव करते हैं, तो आपने इक्वेशन इंक्रीज किया और उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफिकल्ट होगा. रॉन्ग नहीं होगा, उससे भी आंसर मिलेगा, सेम आंसर रहेगा, लेकिन बेटर वे क्या करो, जितना इक्वेशन छोटा रहेगा उतना डिफरेंशिएशन इजी रहेगा. इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी करो एंड देन फर्स्ट शिफ्टिंग करो. वाइस वर्सा भी चलेगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसलिए मैं पहले कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी. तो स्टेप टू इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी. टी रेज टू एन, तो क्या होता है, लैपलास ऑफ, पहले यहाँ पे साइन टी था, इंटू यहाँ पे हो गया टी, उतना ही लिया मैंने, बस इंटू टी लिया, ये एक्सपोनेंशियल अभी तक नहीं लिया मैंने. तो अगर मल्टीप्लाई टी हो गया तो इमीडिएटली अपना रूल अप्लाई करना पड़ेगा. क्या है फॉर्मूला? माइनस वन रेस टू वन, एन का वैल्यू वन है क्योंकि यहाँ पे पावर वन है, अगर टू रहेगा तो टू लेंगे. डी बाय डी एस पावर वन, क्यों? क्योंकि एन का वैल्यू वन है. ऑफ फंक्शन ऑफ एस, अब ये फंक्शन ऑफ एस कौन सा है, इसके पहले जो था ना, ये फंक्शन ऑफ एस लेना आपको. तो मैं वो लिखता हूं माइनस वन डी बाय डी एस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन. तो ये वन अपॉन है ना, ऊपर कांस्टेंट है, तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एस का फॉर्मूला यूज करेंगे. आपको चाहिए तो u by v अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे एक दो स्टेप इंक्रीज हो जाता है, आंसर वही मिलेगा. तो 1 upon s का आंसर होता है minus 1 upon s square, minus 1 upon s square. तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, here minus 1 as it is, इसका आंसर होगा minus 1 upon s square plus 1 the whole square. जो नीचे था उसका स्क्वायर किया, तो नीचे था उसका स्क्वायर किया, लेकिन यहाँ पे s है और यहाँ पे s है क्या? नहीं है. तो जो भी डिफरेंट टर्म आ रहा है ना, उसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन. इसको बोलते हैं चेन रूल. अगर सिंगल वन बाय एस होता तो ये आंसर लिख के छोड़ देते हम लोग, लेकिन हुआ क्या, वन अपॉन स्क्वायर प्लस वन, ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया और वही ब्रैकेट का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है 2s और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो सिर्फ 2s लिखता हूं मैं यहां पे, डायरेक्ट 0 नहीं लिखा मैंने. ये किसका आंसर मिला आपको? लैपलास ऑफ साइन टी.
लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी का आंसर मिल गया आपको। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ एस। अभी आप बोलोगे ऊपर का भी फंक्शन ऑफ एस, ये भी फंक्शन ऑफ एस, ये न्यू वाला फंक्शन ऑफ एस है। इस, ये इसका, ये जो आंसर है किसका आंसर है, टी इंटू साइन टी का आंसर है। देखिए मेरा आंसर कंप्लीट, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या, आंसर पूरा मिला है क्या मुझे, नहीं मिला है, क्योंकि इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म भी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं थर्ड स्टेप, स्टेप थ्री क्या होगा यहां पे, ये हो गया ना, इसके आगे क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट शिफ्टिंग, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एंड इसमें हम लोग एस के जगह पे यहाँ पे एस प्लस प्लस और माइनस क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस थ्री है ना, तो यहाँ पे एस के जगह पे एस प्लस थ्री लेंगे। ठीक है, मैं चलिए तो पहले लिख लेता हूँ लैपलास ऑफ, कहाँ तक मैंने आंसर निकाला था, टी साइन टी तक फाइंड किया था, और इंटू में एक्स्ट्रा क्या गया यहाँ पे एक्स ई रेस टू माइनस थ्री टी एक्स्ट्रा गया, इसके वजह से क्या होगा फंक्शन ऑफ एस प्लस थ्री होगा, क्या होगा फंक्शन ऑफ एस प्लस थ्री, s के जगह पे s प्लस थ्री। ये कहां पे होगा, ये s प्लस थ्री मतलब ये प्रीवियस आंसर मिला ना, इसमें जो भी जहां पे भी s है वहां पे क्या करना है s के जगह पे s प्लस थ्री डालना है, दैट मींस हियर 2 इनटू s है ना, ये वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, 2 इनटू s, s के जगह पे आएगा s प्लस थ्री, क्लियर है, अपॉन अपॉन s है तो s के जगह पे आएगा s प्लस थ्री, ये एस है ना स्क्वायर है तो एस प्लस थ्री द होल स्क्वायर प्लस वन द होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो जहां पे भी एस था वहां पे मैंने क्या किया एस प्लस थ्री डाल दिया, बस फर्स्ट शिफ्टिंग समझ में आपको कोई डिफिकल्ट नहीं, फर्स्ट शिफ्टिंग सिर्फ क्या करना है वो एस के जगह पे आइदर एस प्लस थ्री और एस माइनस थ्री जैसे वो डिपेंड है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस थ्री टी था तो माइनस थ्री के लिए प्लस थ्री, प्लस थ्री रहेगा तो माइनस थ्री उल्टा करना आपको, लेकिन आंसर हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, अलजेब्रा बेसिक, तो क्या होगा 2 इनटू s 2s प्लस 2 इनटू 3 6 अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला a स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस 2ab 2 इनटू 3 6 s प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 1 10 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल, ये लिख देता हूँ फाइनल आंसर बॉक्स में लिखता हूँ, लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू साइन टी का आंसर आपको क्या मिला, 2s प्लस 6 अपॉन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 6 प्लस 10 द होल स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, इसके आगे और कुछ कर सकते हो आप लोग, तो नहीं, इतना सिंपलीफिकेशन हो गया, इसका स्क्वायर करना है तो थ्री टर्म्स है, होता है लेकिन मत करो। ठीक है,